नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 15 अगस्त को सिंपल एनर्जी ने सिंपल वन नाम से एक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन स्कूटर है, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ आया है और ओला को बिल्कुल सीधी सीधी टक्कर दे रहा है। दोस्तों, उसी स्कूटर के बारे में हम बात करेंगे और उसकी फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सिंपल वन जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो ओला को बिल्कुल टक्कर देते हुए 236 किलोमीटर की आईडीसी रेंज निकाल के देता है, जो भारत का फिलहाल का सबसे ज़्यादा रेंज वाला स्कूटर है, जो कि रियल वर्ल्ड में 203 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के आपको दे देगा, जबकि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो रियल वर्ल्ड में 150 किलोमीटर की रेंज निकाल के देता है। आप कोई भी पेट्रोल स्कूटर ले लो, वो पेट्रोल स्कूटर भी लगभग एक बार उसका टैंक फुल करने के बाद लगभग 150 किलोमीटर के आसपास चलता है, जबकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 203 किलोमीटर की रेंज दे देगा, जो कि पेट्रोल स्कूटर से भी ज़्यादा रेंज है। और बात करें दोस्तों इसकी कलर के बारे में, तो ये रेड, वाइट, ब्लैक और ब्लू कलर में आपको प्रोवाइड होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फैक्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, जो सिंपल एनर्जी की सिंपल वन स्कूटर है, इसकी फैक्ट्री तमिलनाडु के होसूर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। दोस्तों, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो सिंपल वन के अलावा जो एथर स्कूटर है उसकी भी फैक्ट्री है। साथियों, मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी फैक्ट्री को, सिंपल वन की जो फैक्ट्री है उसको चेन्नई में ना बनाते हुए होसूर में इसकी फैक्ट्री को बनाने का फैसला किया है, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काफ़ी लोगों को प्रभावित करेगा। क्योंकि दोस्तों, चेन्नई में पहले से ही काफ़ी डेवलपमेंट है और काफ़ी बड़ा शहर होने के कारण वहाँ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी है। लेकिन अगर सारे ही मैन्युफैक्चरर एक ही शहर में फोकस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। तो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि सिंपल एनर्जी जो स्कूटर है, उन्होंने 1 मिलियन स्कूटर पर ईयर बनाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पहले चरण में। दोस्तों, अब जैसे जैसे अगर बिक्री बढ़ेगी स्कूटर्स की, तो वो वैसे वैसे ही और इन्वेस्टमेंट करके उसकी कैपेसिटी को वे बढ़ाने के प्रयास करेंगे, ताकि लोगों की डिमांड को पूरा कर सके। देखिए दोस्तों, डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही पूरी मार्केट टिकी होती है। अगर डिमांड ही लोगों की कम है तो वे उसी फैक्ट्री में ही कम प्रोडक्शन करेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो उस फैक्ट्री को ही बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिंपल एनर्जी वालों ने 2 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 2 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री जो है बनाई है, जिसके अंदर उनका दावा है कि वे 1000 नौकरियाँ जो है पैदा करेंगे। 1000 नौकरियाँ, अगर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर 1000 नौकरियाँ अगर वे डायरेक्ट वे में पैदा करेंगे तो उससे लगभग 1 लाख लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि 1000 नौकरियाँ डायरेक्ट है और उसमें इनडायरेक्ट काफ़ी कुछ लॉजिस्टिक्स और बहुत सारे काम होते हैं। लॉजिस्टिक्स क्लास 4 की नौकरियाँ हो जाती हैं, लॉजिस्टिक्स की नौकरियाँ हो जाती हैं और काफ़ी छोटे छोटे ऐसे उद्योग होते हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस फैक्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। कोई कॉम्पोनेंट्स बनाने की फैक्ट्री है, क्योंकि पूरी की पूरी जो एक जो स्कूटर की फैक्ट्री होती है वो हर चीज़ नहीं बना सकती अपने आप में, तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों की वो मदद लेके सारा काम करती है। और ये सारा कुछ करते हुए उन्होंने जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, वो कंपनी का दावा है कि 1,10,000 रुपये का बन के तैयार होगा। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि बहुत अच्छी ईवी पॉलिसी के तहत अच्छी खासी सब्सिडी दे रहे हैं। केंद्र सरकार फेम 2 की सब्सिडी तो दे ही रही है, लेकिन राज्य सरकार भी अपनी तरीके से, जैसे कि अभी महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिल रही है आपको, जो कि आपको बहुत से राज्यों में जो 1 लाख रुपये से भी ये कम का पड़ने वाला है। तो सिंपल एनर्जी की तरफ से जो भी कोई अपडेट आएगी, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना क्या होगा, आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये हमारा लक्ष्य है, यही हमारा मोटो है कि मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत